नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से खबर सामने आ रही, जहां पर गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज मुख्यमंत्री योगी के दौरे का दूसरा दिन है, वेयर हाउस का आज वो लोकार्पण करने वाले हैं। वही देखिए, 30 करोड़ की लागत से वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है और इसका लोकार्पण और उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज दूसरा दिन है उनके इस दौरे का। आज मुख्यमंत्री वेयरहाउस का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं देखिए, 30 करोड़ की लागत से वेयर हाउस का निर्माण किया गया है और आज मुख्यमंत्री के हाथों से वहां पर इस वेयर हाउस का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें, कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है उनके गृह जनपद गोरखपुर में, जहां पर वेयर हाउस का वो लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए, आज वेयर हाउस का वहां पर उद्घाटन और लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से, किस तरह की तैयारियां और कितना लाभ उससे गोरखपुर की जनता को मिलेगा? देखिए बिल्कुल साथी, आपको बता दूं कि 2-3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गीडा पहुंचे थे। वहां भी उन्होंने करोड़ों की सौगात दी थी। एथेनॉल प्लांट का उन्होंने आधारशिला रखा था और उसका शिलान्यास किया था और वहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 2000 लोगों को रोजगार मिला था। यहां पर मोतीराम अड्डा के पास वेयर हाउस का वो उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे मोतीराम अड्डा के पास। मेसर से सीएसएट का जो ये वेयर हाउस है उसका वो उद्घाटन करेंगे और यहां भी माना जा रहा है तकरीबन 1000 जो रोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे निश्चित रूप से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और आसपास के लोगों के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी देंगे और मुख्यमंत्री उसको देने के लिए 11 बजे के आसपास वहां पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरा देश मेरी माटी मेरा देश के तहत हर घर झंडा को लेकर के आज अपने ही मंदिर यानी गोरखनाथ मंदिर के आवास पर पोर्टिको पर झंडा आरोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे और निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम करेंगे। तो एक बड़ा दिन है आज के लिए भी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मोतीराम अड्डा पहुंचेंगे तो एक बड़ी सौगात देंगे मेसर्स एसोसिएट को और वेयर हाउस का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, देखिए वेयर हाउस का उद्घाटन करेंगे और सुशील, देखिए 3 दिवसीय दौरा है ये और कल भी क्या खास होने वाला है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और जो हर घर तिरंगा और के तहत किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई, क्योंकि देखिए स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं आज के दिन और एक संदेश देशभक्ति का देने की कोशिश की जाएगी। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि हर घर तिरंगा को लेकर इस बार बृहद रूप से सभी की जिम्मेदारी तय की गई थी। कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज ने उस तस्वीरों को भी दिखाया था कि डाक विभाग किस तरीके से तकरीबन 5 लाख से ज्यादा के झंडे घर घर पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है वो पहुंचा भी रहा है और ऐसे में आज सभी स्कूल कॉलेजेस को खोला गया है। चूंकि आज रविवार है, अवकाश के दिन भी खोला इसलिए गया है क्योंकि हर घर तिरंगा को लेकर के बृहद कार्यक्रम है, उसे करना है और ऐसे में स्कूलों में इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए सबकी जिम्मेदारी तय की गई है और मदरसों में भी इस बार एक अलग सा रौनक आपको देखने को मिलेगा। एक पूरी तैयारी की जा रही है मदरसों में भी, वो भी तस्वीर निकल करके सामने आएगी और निश्चित रूप से आज का दिन बेहद खास है जब रविवार के दिन भी स्कूल कॉलेज में हर घर तिरंगा के तहत एक अभियान के तहत ये काम किया जाएगा और निश्चित रूप से इस बार के स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जो तैयारी सरकार ने की थी, सबकी जिम्मेदारी तय की थी, वो आने वाले समय में वो तस्वीरें भी नजर आएगी। एक अलग सा नजारा देखने को मिलेगा, एक अलग सा संदेश लोगों के दिलों में छाप छोड़कर जाएगा जो मुहिम सरकार ने शुरू की है। जी शुक्रिया करूंगी सुशील, बेहद।